तो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आ जाएगा, और ग्राफ नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ऐसा लगेगा कि यार हमने बहुत अच्छे आदमी का बहुत ज्यादा विनाश कर दिए। तो मेरे को ऐसा लगता कि इम्तियाज बेनेत आज का दिन और कल का दिन है उनके पास, उन्होंने दिल बड़ा करके समीर साजिद भाई को टिकट दे देना और उन्होंने वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना और आगे क्या 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 पे आप कहने का सवाल विशाल खड़े कर रहे हैं। अच्छे चेहरे का खराबा मत करो। इम्तियाज साहब जो है ना तो आज औरंगाबाद के हीरो है, बराबर है, एक आइकॉन है औरंगाबाद शहर, उनका खराबा ना करिए। देखो जीत हार अल्लाह के हाथ में, कोशिश करना हर इंसान का काम है, मगर जब एक अच्छा चेहरा एक कीचड़ में जाता है ना जी, तब आपको हमको सबको अफसोस होगा। पूर्व से तो डॉक्टर गफ्फार खादरी हकदार थे, फिर उनको क्यों नहीं दिया गया। देखिए एक बात बोलू क्या, एमएम एक बार चांस दी, दो बार चांस दी, अब हैट्रिक थोड़ी करन देंगे यार कोई भी। नासिर सिद्दीकी दूसरा चांस है कुछ भाई, चांस है ना। देखिए कैसा है मालूम क्या, आपको चांस दिए ना उनको, नहीं दिए क्या, और वेट करना था। सबर का माध्यम बहुत बड़ा रहता, लास्ट टाइम हमको टिकट दिया हम लड़े, अभी हमको टिकट नहीं दिया हम चुप बैठे, कोई बात नहीं, सबर तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप हर चीज के अंदर जिद करेंगे तो थोड़ी चलने वाला। सब आप कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं। रवि बाबी अभी आपने बातों तो मैं दो बार तारीफ करी, दो बार तारीफ करे आपने कि बहुत अच्छा चेहरा है, तारीफ करे, तो ये कांग्रेस का एक जिम्मेदार और कहने का एमआईएम के प्रति मोहब्बत जिताना। एक एज अ मुस्लिम एज अ एनजीओ रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा जी, क्या बोल रहा मैं कि मुस्लिम्स के अंदर एक ऐसा चेहरा है जिसने औरंगाबाद शहर में नहीं हिंदुस्तान आपके सामने सबसे पहला मुद्दा जो भाजपा औरंगाबाद पूर्व से जो खेड़ा रच रही है और जिसका नुकसान मुसलमानों को बहुत ज्यादा होने वाला है, एक मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा जो है तो हमारे शहर के आमदार खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है तो हिंदुस्तान में ही नहीं उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, तो अब टाइम आ गया उनका कुछ दिलदारी दिखाने का, इसके ऊपर एक बात है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विचारों की लड़ाई चल रही और जो मुसलमान नाराज है उसके ऊपर हम तीन मुद्दे के ऊपर हम आज बात रखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुद्दे से शुरुआत करते हम, पहला मुद्दा जो है तो भाजपा ने औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ के अंदर जो खेल खेला और जो हम बोलेंगे नंगा खेल खेला पैसों के माध्यम से, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक और बहुत ज्यादा गलत है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हर इलाके के अंदर से कॉमन मैन को पकड़ा, कॉमन मैन को पकड़कर उनको बोला कि आप लोग जो है तो बिल्कुल कॉमन है, आप प्रचार मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपके मायके के 250 वोट, आपके ससुराल के 250 वोट, आप खाली 500 वोट हमें लेके दीजिए, आप आपके नाम पे 500 वोट के बदले में आपको क्या चाहिए वो हम आपको देने को तैयार है। ये भाजपा औरंगाबाद शहर के अंदर नंगा नाच कर रही है, पैसों का नाच कर रही है, और मुस्लिम लोगों को खास तौर पे आज आपको मैं सबूत दूंगा इसका कि आज देखिए आप ये गवर्नमेंट की लिस्ट है, 135 फॉर्म पूर्व मतदार संघ से 135 उम्मीदवारों ने फॉर्म लिए और आज 12 यानी कि लगभग 150 उम्मीदवार, और फॉर्म कितने गए उनके पास है मालूम आपको, 257 फॉर्म और इसके प्लस 12। तो मेरे को एक बात बोलिए, इतने लोग इलेक्शन लड़ते ये जितने लोग इलेक्शन लड़ते इनको इनकम टैक्स फाइल होना पड़ता, आपको इनकम टैक्स का सब चीज बताना पड़ता है इससे लेकर जब तक के, पर हमारे पास क्या है, आम आदमी है, गरीब है, 250 मैके के 250 ससुराल के, हमारे मुस्लिम वोट को 40 से 50 हजार वोट को ध्रुवीकरण कर रही भाजपा। तो मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि भाजपा के झकोले में मत आइए, जो अगर कॉमन मैन इलेक्शन में खड़ा है तो मेहरबानी करके उसको सपोर्ट मत करिए, मेहरबानी करके। देखिए जो ब्रांडेड पार्टी होती है, जो सरकार का हिस्सा होती है, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करिए। आज देखिए औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित करी, ओबीसी उम्मीदवार घोषित करी, और उसकी जिम्मेदारी 100% कल्याण काड़े साहब जो हमारे मराठा खासदार है उन्होंने जिम्मेदारी ली। अब मेरे को एक बात बोलिए, कई मुस्लिम्स टिकट नहीं मिलने से नाराज है, ठीक है मैं भी नाराज हूं, मेरे को भी टिकट मंगा था, मेरे को भी दुख हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हमको पार्टी का जो आदेश है हमने पहले बोला था जो पार्टी आदेश करेंगे हम वो करेंगे, मगर जब अगर मेरे को टिकट मिलता था तो मेरे को शुरुआत इम्तियाज जलील साहब खड़े रहने के बाद मेरे को शुरुआत जीरो से करना पड़ती थी, जीरो से मैं 5,000 10,000 15,000 जहां तक जाता था वहां तक जाता था, ठीक है।
अब जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दी ओबीसी का, ओबीसी प्लस मराठा, उनकी शुरुआत 50,000 से नीचे नहीं होने वाली है, उनकी शुरुआत 50,000 से नीचे नहीं होने वाली है। बस उनको मदद लगेंगी दलित कम्युनिटी की, उनको मदद लगेंगी मुस्लिम कम्युनिटी की। अगर हम लोग ने थोड़े थोड़े वोट की मदद कर दिए तो 100% वो आदमी अंदर बन जाएगा। और आज वो आदमी कॉम्पिटिशन में आगा ना, अगर मुस्लिम को देते थे तो कॉम्पिटिशन में रहता नहीं था, कि सामने मुस्लिम का बेस्ट चेहरा इम्तियाज अली साहब, तो वोटिंग हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ती थी। और आज हमने ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिए, मराठा के जिम्मेदारी पे टिकट दिए, मुस्लिम दलित अगर सपोर्ट करती है तो 100% सीट जीतने वाली है। ये हो गए दो मुद्दे। तीसरा मुद्दा जो है, तो देखिए हैदराबाद की पार्टी है, 10 साल में क्या 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 सर्कस हुई सबने देखी, पर इसमें एक अच्छी बात यह रही कि हमारे शहर के अंदर एक बहुत अच्छा चेहरा बन गया इम्तियाज अली साहब, माशाल्लाह, और उनको बच्चे भी मानते हैं, बुजुर्ग भी मानते हैं, एज अ हीरो मानते हैं। मेरे को लगा था ये इलेक्शन के टाइम पे कि देखिए कभी ना कभी इंसान को कुर्बानी देना पड़ती, तो इस बार इम्तियाज अली साहब ने थोड़ा दिल बड़ा रख के उनकी कुर्बानी दे देना था। अभी क्या होगा, भाजपा ने एक खेड़ा रचा, खेड़ा रचने के बाद में 40,000 और 50,000 मुसलमान के डिवाइडेशन करने की कोशिश कर रहे पूरे पूरे। इसके बाद में हमारे अफसर साहब खान साहब खड़े हैं, डॉक्टर गफ्फार साहब खड़े हैं, इसके बाद में और एक दो लोग और भी खड़े हैं। तो आप देखिए कि जब इतना रेपुटेड चेहरा ये सबके बीच में जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आ जाएगा, और ग्राफ नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ऐसा लगेगा कि यार हमने बहुत अच्छे आदमी का बहुत ज्यादा विनाश कर दिए। तो मेरे को ऐसा लगता कि इम्तियाज मेहनत आज का दिन और कल का दिन है उनके पास, उन्होंने दिल बड़ा करके समीर साजिद भाई को टिकट दे देना और उन्होंने वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना और आगे क्या 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 मुस्लिम दलित ने सपोर्ट करे थे। आज उनके पास ना दलित है, मुस्लिम के अंदर विभाजन बहुत ज्यादा है, मगर हम हमारी गलती से मुसलमानों का सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन चेहरा हम खराब ना होने दें। ये मेरी गुजारिश है इम्तियाज अली साहब से भी और हैदराबाद की पूरी टीम से गुजारिश है कि आप पर्सनली समझाइए इम्तियाज अली साहब को कि इस बार दिल बड़ा कर दीजिए, अल्लाह है बहुत मौके आएंगे, कहीं ना कहीं आप एडियस हो जाएंगे। और आपने वैसा भी माशाल्लाह बहुत काम किया है और कौम की रहबरी के वास्ते आप हमेशा आगे रहते, अल्लाह आपको कहीं ना कहीं मौका देगा इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।